नमस्कार दोस्तों, बरबड़ कंपटीशन क्लासेज हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अदाब, खैर मकदम है। आज नए तथ्य के साथ फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ। नया तथ्य हिंदी शिक्षण विधियाँ हमने जो शुरू की है, इसमें आज ध्वन्यात्मक शिक्षण विधि को हम पढ़ेंगे। अनुकरणात्मक शिक्षण विधि को हमने पढ़ लिया है, आज ध्वन्यात्मक शिक्षण विधि को पढ़ेंगे। उससे पहले भाषा, भाषा के प्रकार, उनके बारे में चर्चा हमने की है। देखिए मित्रों, इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मैं आपका अति आभारी रहूंगा। हिंदी शिक्षण विधियां द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में जितने भी शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में विस्तार से तथ्य सहित चर्चा करेंगे और पूर्ण तैयारी के साथ चर्चा करेंगे। ऐसा ना हो कि कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न इनसे बाहर चला जाए, ऐसा कदापि नहीं होगा। आप जरूर जब इस चैनल पर बैठते हैं पढ़ने के लिए पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा। एक एक तथ्य को आप नोट करते जाइए, एक एक तथ्य को नोट करते जाइए, आपके लिए भी सहूलियत रहेगी, अच्छा रिवीजन होगा, पढ़ाई अच्छी होगी और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं ध्वन्यात्मक शिक्षण विधि। ध्वन्यात्मक शिक्षण विधि, इनके जनक है माइकल सेमर। ध्वन्यात्मक शिक्षण विधि के जनक है माइकल सेमर। 1935 के अंदर इस विधि का प्रयोग किया गया। माइकल सेमर 1935 में इनका प्रयोग किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा पूछ लिया जाता है ध्वन्यात्मक शिक्षण विधि के जनक कौन है, माइकल सेमर। याद रखना, माइकल सेमर सन 1935। आगे ध्वनि की सहायता से पढ़ाना, बच्चों को ध्वनि की सहायता से पढ़ाना। ध्वनि ऐसा नहीं किसी ढोलक को बजाना, ऐसे नहीं। ध्वनि का मतलब है ऐसे वर्णों को प्रयोग लेना, जैसे शल, बल, कल, नल, एक ही ध्वनि को उच्चारित करना। जैसे ल के ऊपर आने वाले शब्द, जैसे नल, खल, बल, सल, ढल, ऐसे इस तरीके की ध्वनि को उच्चारित करना। बच्चे बीजी बीजी उच्चारण करेंगे और ध्वनि की सहायता से बच्चे पढ़ेंगे। एक ध्वनि को, एक ही ध्वनि को उच्चारित करना, फिर बाद में दूसरी ध्वनि को उच्चारित करना, फिर बाद में तीसरी ध्वनि को उच्चारित करना। इस तरीके से ध्वनि का उच्चारण किया जाता है ध्वन्यात्मक विधि में, ठीक है ना। यह प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है। ध्वन्यात्मक शिक्षण विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं ध्वन्यात्मक शिक्षण विधि उपयोगी है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए। इस तरीके से प्रश्न कई बार परीक्षा में आते हैं, तो यह प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी विधि है। यह प्राथमिक 1 से 5 तक छोटे बच्चे होते हैं, 1 से 5 तक बच्चों के लिए बेहद उपयोगी विधि है ध्वन्यात्मक शिक्षण विधि। फिर आगे चर्चा कर रहे हैं तुकांत शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। इस विधि में तुकांत शब्दों का प्रयोग होता है, मैंने आपको बताया अभी, शल, बल, नल, ढल, कल, है ना, ऐसे शब्दों का, शल, बल, नल, ढल, कल, जल, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो तुक में होते हैं, तुक में जुड़े होते हैं, जैसे डल, कल, मल, छल, दल, जल, इस तरीके शब्दों का प्रयोग होता है और बच्चे सीखते हैं। कॉपियों में कक्षाओं में काम भी दिया जाता है, छोटे बच्चों को हिंदी में लिखा जाता है, शल, कल, बल, ढल, बच्चे फिर उनको उतारते हैं, लिखते हैं। उसी रूप में यह एक तुक है, तुकांत के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। फिर यह प्राथमिक कक्षा आपको ध्यान में होगा, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक होती है और उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक होती है, माध्यमिक 8 से 10 से होती है और उच्च माध्यमिक 10 से 12 होती है, ठीक है ना। ये इस तरह, ये तो आपको पता ही है। उच्चारण कौशल का इसमें विकास होता है, इस ध्वन्यात्मक विधि में उच्चारण कौशल का विकास होता है। बच्चों में जो उच्चारण की स्थिति होती है वो क्लियर हो जाती है। कई बच्चे उच्चारण करते समय हकलाते हैं, कई बच्चे उच्चारण करते समय थोड़ा सोचते हैं, ठीक है, रुक के बोलते हैं, कई बच्चे उच्चारण करते समय बोलते बोलते रुक जाते हैं। तो इसमें
उच्चारण करने की जो विधि है बच्चों में वो मजबूत हो जाती है, बच्चे उच्चारण करने का सलीका एकदम सीख लेते हैं, इसलिए उच्चारण कौशल का इसमें विकास होता है। समान ध्वनि वाले शब्द बच्चे को लिखकर दिए जाते हैं और बच्चे अनुसरण करते हैं। समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं, शिक्षक उनको लिख के देते हैं और बच्चा उनका अनुसरण करता है। समान ध्वनि मैंने अभी आपको बताया तुकांत शब्द होता है, जल बल कल ढल नल मल ऐसे शब्द होते हैं, तुकांत शब्द होते हैं, उन शब्दों को शिक्षक तो बच्चों को लिख के देता है, बच्चे उनका अनुसरण करते हैं। इस तरीके से बच्चों का जो उच्चारण संबंधी जो दोष होता है वो मजबूत हो जाता है, सुधर जाता है, ठीक है ना। तो यह उच्चारण कौशल के विकास के लिए उपयोगी है। समान ध्वनि वाले शब्द बच्चे को लिखकर दिए जाते हैं, बच्चे उनका उच्चारण करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कहते हैं ध्वनियात्मक विधि एक संश्लेषणात्मक विधि है। ध्वनियात्मक विधि एक संश्लेषणात्मक विधि है। संश्लेषण होता है इसमें, संश्लेषण मतलब अक्षरों को जोड़ना, संश्लेषण मतलब छोटे बच्चे होते हैं उस अक्षरों को जोड़ा जाता है, जैसे बच्चों को लिखाया जाता है कमल करके लिखाया जाता है, तो उनको ऐसे लिखा जाता है बिना बोलो क म ल, ऐसे सीधा सीधा क म ल पूरा बच्चा सीख जाता है कमल, इसको कमल कहते हैं। ऐसे ही विमल कमल समल कमल नमल, इस तरीके से बच्चों को संश्लेषण करके सिखाया जाता है ध्वनियात्मक विधि में। ध्वनियात्मक विधि को संश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक बार परीक्षा में आता है। इनमें से संश्लेषणात्मक विधि है, चार विधियों का नाम दे देंगे, उनमें ध्वनियात्मक विधि है वो संश्लेषणात्मक विधि है। इसमें अक्षरों को जोड़ा जाता है, जैसे कमल कमल, ठीक है ना। संश्लेषणात्मक अर्थ होता है छोटे से बड़ा, संश्लेषण का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी वर्ण से शब्द, वर्ण से शब्द की ओर, वर्ण जैसे क वर्ण है, ठीक है ना, और म वर्ण है, ल वर्ण है, ठीक है, इन तीनों को मिला के शब्द बन गया कमल। ये हो गया शब्द कमल, ये तो हो गया शब्द और ये हो गया वर्ण, ठीक है ना। तो छोटे से बड़े, छोटे से बड़े यानी वर्ण से शब्द की ओर ले जाया जाता है, वो संश्लेषणात्मक होता है, और विश्लेषणात्मक होता है बड़े से छोटा, पहले बड़ा फिर छोटा, ठीक है ना, शब्द से वर्ण की ओर। शब्द होता है जो शब्द लिख दिया कमल, पूछा जाता है इसमें वर्ण कौन कौन से हैं, या इसके टुकड़े करो, तो क म ल ऐसे लिखा जाता है, क म और ल, इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। प्रयोग इसका सभी स्तर पर होता है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक माध्यमिक सभी स्तरों में होता है, परंतु इसका प्रयोग सबसे बेहतर प्रयोग प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है। ध्यान रखना, प्राथमिक कक्षा के लिए यह भेद उपयोगी है, 1 से 5 तक की कक्षाओं में बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है ध्वनियात्मक विधि का। ध्वनियात्मक विधि का 1 से 5 तक जो विद्यार्थी है वे बेहतर तरीके से सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं, उनके लिए अच्छी तरीके से लागू होती है। वैसे चारों में लागू होती है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक चारों में लागू होती है, परंतु छोटे बच्चे हैं जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी विधि है, ध्वनियात्मक विधि है, बहुत अच्छी विधि है, ठीक है ना। इसके गुण देख लीजिए, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ध्वनियात्मक विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक मतलब ध्वनि के माध्यम से सिखाया जाता है बच्चे को, ध्वनि के माध्यम से सिखाया जाता है, तुकांत शब्दों के माध्यम से सिखाया जाता है, शब्दों को तोड़ा जाता है, शब्दों को जोड़ा जाता है, ठीक है ना, जैसे कमल तीनों को जोड़ के कमल शब्द सिखाया जाता है, इसीलिए यह मनोवैज्ञानिक विधि है। और भक्तिकालीन रचनाओं के शिक्षण में रुचि बढ़ती है, भक्तिकालीन रचना जो भी रचना है उनके शिक्षण में रुचि बढ़ती है, जैसे भक्तिकाल रचना, जैसे मीरा की रचना ले लो, तुलसी की रचना ले लो, रसकान की रचना ले लो, देव की रचना ले लो, किसी भी रचना, किसी की भी रचना ले लो, जो भक्तिकाल संबंधित कवि हुए हैं उनकी रचना ले लो, उनमें इन बच्चों की रुचि बढ़ती है, भक्तिकालीन जो रचनाएं हैं उनको पढ़ने में इनकी रुचि बढ़ती है। ध्वनि वाले शब्दों को इकट्ठा करना, वो ध्वनि वाले शब्दों को इकट्ठा करते हैं, ध्वनि वाले शब्दों को वो ज्यादा जोर देते हैं, क्यों, कि जो भक्तिकालीन रचना है उसमें अधिकतर ध्वनि होती है, टेर लगता है, एक गीत के माध्यम से उनको मतलब गाया जाता है, काव्य पाठ की तरफ गाया जाता है, तो बच्चे उनमें ज्यादा रुचि लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मीरा के पद ले लो, तुलसी के जो रामचरितमानस के पद है वो ले लो,
है ना, रसकान के सवैया है उनको ले लो, रसकान के सवैया जब बच्चों के सामने गाया जाता है, अच्छा जो अनुभवी शिक्षक होते हैं अच्छा गाते हैं ठीक है ना, तो वो मतलब बड़े शालीनता से गाते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, तो उसमें क्या है बच्चे क्या है भक्तिकालीन रचनाओं के शिक्षण में रुचि बढ़ जाती है और ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं उनको इकट्ठा करने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसका दोष है ध्वनियात्मिति का दोष, सबसे बड़ा दोष है अशुद्ध ध्वनियों का इसमें निर्माण हो जाता है, बच्चे अशुद्ध ध्वनियों का निर्माण जल्दी कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा दोष है ध्वनियात्मक शिक्षण विधि में, जो दोष सबसे बड़ा दोष है अशुद्ध ध्वनियों का बच्चा निर्माण कर लेता है, हैं? जैसे अशुद्ध ध्वनियां आप कुछ ले लेते, जैसे कर्म को काम मान लेते हैं, चर्म को चाम कह देते हैं और चम्मच को समस लिख देते हैं, ठीक है ना, जो अशुद्ध ध्वनि है उनका प्रयोग बच्चे ज्यादातर कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा दोष है। समय अधिक खर्च होता है इसमें, इस विधि में समय अधिक खर्च होता है, जो जितना समय चाहिए उतना नहीं, उससे ज्यादा समय चाहिए इस विधि में, इसलिए ये इस विधि का सबसे बड़ा दोष है, समय अधिक खर्च होता है, अशुद्ध ध्वनियों का निर्माण कर लेते हैं, ये इनका दोष है। और गुण इसका मनोवैज्ञानिक विधि है, भक्तिकल रचनाओं के प्रति रुचि बढ़ती है, छात्र तुकांत शब्दों को इकट्ठा करते हैं, जो भक्तिकालीन शब्दों भक्तिकालीन रचनाओं में जो शब्द होते हैं तुकांत शब्द उनको छात्र ज्यादा इकट्ठे करते हैं, उसमें रुचि पैदा करते हैं। इस तरीके से हमारी यह विधि पूरी हुई और आप उसको जरूर जनक के बारे में ध्यान रखना, माइकल सेमर है, 1935, ध्वनि की सहायता से बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है, तुकान शब्दों का इसमें ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सर्व बल कल नल इनका प्रयोग किया जाता है और उच्चारण कौशल का इसमें विकास होता है, समान ध्वनि वाले शब्द बच्चों को लिखकर दिए जाते हैं, बच्चे उनका अनुसरण करते हैं और इस यह विधि एक संश्लेषणात्मक विधि है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मैंने यहाँ स्पेल आउट कर दिए, संश्लेषण किसको कहते हैं, विश्लेषण किसको कहते हैं, परंतु संश्लेषण विधि ध्वनियात्मक विधि को संश्लेषण विधि भी कहते हैं, ध्वनियात्मक विधि एक संश्लेषणात्मक विधि है, संश्लेषणात्मक छोटे से बड़ा, वर्ण से शब्द का निर्माण करना, विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक बड़े से छोटा, शब्द से वर्ण की ओर जाना, उसके बाद प्रयोग सभी स्तर प्रयोग होता है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक में प्रयोग होता है और मीरा रसकान तुलसी आदि जो भक्तिकालीन कवि कवयित्री वे हैं उनकी रचनाओं में बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं। गुण ये मनोवैज्ञानिक विधि है और भक्तिकाल रचनाओं के शिक्षण में रुचि बच्चों की ज्यादा बढ़ती है, ध्वनि वाले शब्दों को बच्चे ज्यादा इकट्ठा करते हैं, दोष अशुद्ध ध्वनियों का इसमें निर्माण होता है, बच्चे अशुद्ध ध्वनियों का निर्माण कर लेते हैं, चम्मच को समस लिख देते हैं ठीक है ना, कर्म को काम चर्म को चाम लिख देते हैं, समय इसमें ज्यादा खर्च होता है। इतना ही है ध्वनियात्मक शिक्षण विधि, देखिए छात्र देखिए मित्रों ध्वनियात्मक शिक्षण विधि अपनी पूरी हो गई, कल एक नई विधि के साथ में फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपका अति आभारी रहूंगा, नमस्कार।